नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार को इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए इलेक्टोरल बांड के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को आड़े हाथों लिया। दिग्विजय सिंह बोले कि अब प्रधानमंत्री मोदी की पोल खुलती जा रही है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड उजागर करने के लिए बाध्य किया है, उससे सारी हकीकत देश के सामने आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी के शासन में काला धन वापस नहीं आया बल्कि और अधिक देश से बाहर चला गया। खबर मध्य प्रदेश ने जब उनसे प्रदेश में कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए नेता ना होने के भाजपा के आरोप पर सवाल किया तो वे बोले कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं बल्कि चुनाव लड़ना चाह रहे नेता ज़्यादा हैं, इसलिए हमें फैसला लेने में समय लगा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने ईडी व आईटी को राजनीतिक हथियार बना रखा है। विरोधी नेताओं को डरा धमकाकर भाजपा ज्वाइन करवाई जा रही है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ये भी बोले कि देश में जातिगत जनगणना होना आवश्यक है। आज हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये भी उन्होंने कहा था कि मैंने सारी शेल कंपनीज बंद कर दी और ईडी आईटी के छापे काला धन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया। विदेशों से काला धन लाएंगे नहीं है। और अधिक काला धन देश के बाहर चला गया। अब ईडी आईटी का एक राजनीतिक हथियार उनके हाथ में है, अपने विरोधियों के खिलाफ उसका उपयोग हो रहा है। ईडी आईटी सीबीआई के छापे डलवाओ, उनको डराओ धमकाओ और भाजपा में शामिल कर दो। जैसे ही भाजपा में शामिल होते सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया। ये आदिवासी चरित्र है, वो डरता नहीं है। धमकाने पर कायरता के तरीके से वो समझौता नहीं करता। आज भी वो जेल में है लेकिन डरा नहीं। ये कैरेक्टर है इस देश के संस्कार और संस्कृति का, उन लोगों का जो इस देश के मूल निवासी हैं आदिवासी। हम लोग तो सब बाहर से आए लेकिन आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। साथियों, इतना ही मैं कह सकता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने उजागर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। अब सारी बातें सामने आ रही हैं। ये भी एक अजीब सी बात है कि देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहाँ नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई फंडी नहीं दिया क्या? ये भी एक आश्चर्यचकित बात है। शेल कंपनीज से पैसा आ रहा है। शेल कंपनीज का मतलब है कि जिस कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं, व्यापार नहीं, कोई मुनाफा नहीं, वो हजारों करोड़ रुपए कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं हम चाल चरित्र चेहरा के लिए पहचाने जाते हैं। जो गेमिंग कंपनीज हैं, सट्टे की कंपनीज हैं, जो लूट रहे हैं, उनसे लगभग 1300 करोड़ या 13000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया, 1300 करोड़ चंदा लिया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी की पोल खुलती जा रही है। पूरे देश में माहौल बन चुका है ईवीएम धोखा है।
चोरी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर, आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है, ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बात यह है हमारे पास मुसीबत है, इतने लोग तैयार हो रहे हैं कि हमको ढूंढ उनको चयन करने में दिक्कत आ रही है। आज सूची जारी होगी सर, 18 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी। श्रीमान सीए का मामला, अमेरिका ने भी इस पर हस्तक्षेप दखल दिया, उन्होंने कहा है, विरोध भी जताया और भारत सरकार ने अमेरिका को जवाब दिया कि वो पहले अपना मामला देखे हमारे ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा ही नहीं है, नागरिकता का मुद्दा तो बेमतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि नागरिकता का कानून तो पुराना है और उसके तहत जो अर्हताएं थी, जो नियम था, उसका पालन करो, नागरिकता मिल जाती थी। सर क्या दिग्विजय सिंह जी इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं से लड़ सकते हैं, पार्टी अगर कहेगी तो? आप कह पहले भी कह चुके हैं गुना से मैं तैयार हूं। दिग्विजय सिंह तो सड़क के कांग्रेस के कार्यकर्ता है, थे और रहेंगे, जो आदेश होगा पालन होगा। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगे हुए, जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे वही जा रहे हैं, बहादुर लोग डटे हुए हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।